आज मैं कुंदन कुमार, जनरली आप देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके CBSE में 9th 10th में बच्चे को दिया जाता है, जो कभी कभी इसको हम क्लोज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? क्लोज टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, साथ साथ में इसको गैप फिलिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसमें पहले आपको करना क्या होता है कि दिए गए क्वेश्चन को पूरा गौर से पढ़ना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि अभी इसमें दिए भी हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट गिवन बिलो, क्लियर? आखिर कहता है क्या कि इसमें से सही ऑप्शंस को आपको चुनना है, और सही ऑप्शन को चुनकर और तब इसमें इसको फिल कर देना है। जहाँ जहाँ जो ये क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, जहाँ जो फिल है भरने वाला, उसमें भरना है। और ये क्वेश्चन जो पहले कोई स्टूडेंट ने इसको पहले बनाया है, ठीक है, और इसको अभी मैं डिस्कस करके तब मैं इसको बताता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन जो बनाया वो गलत है या सही है, ठीक है? इसके बारे में भी मैं आपको बात करूँगा। अभी देखते हैं कि इसमें दिया है कि बेल्जियम इज़ कंसिडर्ड टू, अब ये इज़ कंसिडर्ड जो दिया है इससे आपको पता चल गया कि सेंटेंस बिल्कुल पैसिव वॉइस में है। किस में है? पैसिव वॉइस में, कि इज़ MR के बाद आने वाला जो वर्ब यहाँ V3 है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, जो बच्चे इसमें वॉयस। और इस प्रकार के क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपको टेंस, नरेशन, वॉयस, सिंटैक्स अर्थात सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, ये सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को, क्लोज टेस्ट को जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर? तो यहाँ ये पता चल गया कि बेल्जियम इज कंसिडर्ड टू डैश अ कंट्री फिट डैश चॉकलेट्स, इट इज़ अ बिग बिजनेस एंड इम्प्लॉयज नियरली 72,000 पीपल, मोस्ट बेल्जियन। यहाँ पे ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो बेल्जियम जो जिस जगह पे रहने वाले लोग को बेल्जियन कहते हैं, वो चॉकलेट मेकर्स डैश दियर क्राफ्ट एट वोकेशनल स्कूल्स दे सेट अप डैश ओन बिजनेस। अब आपको ये पता चल गया है कि यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, लेकिन ये सेंटेंस कौन से टेंस में चल रहा है? तो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। किस में चल रहा है? प्रेजेंट टेंस में चल रहा है। और ये कंसिडर्ड के बाद, क्योंकि एक सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का सेंटेंस एक सेंटेंस है, अभी आपको पता होगा कि जब कोई एक सेंटेंस में अगर दूसरा कोई वर्ब इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? दूसरा कोई वर्ब जब इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा इसके बाद आने वाला फॉर्म दूसरा वर्ब के लिए हम क्या लगाते हैं? हमेशा V1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हमेशा V1। तो यहाँ V1 लगेगा, क्लियर सी बात है। दूसरा में ये आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन को मैंने आपको पढ़ने के लिए क्यों बोला, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि सेंटेंस में आखिर टेंस किस प्रकार का इस्तेमाल किया गया है, क्लियर? इसलिए मैंने आपको बोला पढ़ने के लिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ इज दे रहा है, इसका मतलब यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि फिर यहाँ देन दे सेटअप देख रहे हैं, यहाँ सेटअप जो वर्ड जो कि यहाँ देख रहे हैं कि दे के मुताबिक यहाँ सेटअप क्लियर हो रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार पढ़ने से मुझे क्या पता चल गया कि आपका टेंस क्या क्या है, ठीक है? अब इसमें बना के देखते हैं कि आखिर क्या होना चाहिए। तो बेल्जियम इज कंसिडर्ड टू, टू के बाद अभी जैसे मैंने क्या बताया कि एक सेंटेंस के बीच में आने वाले दूसरा जब कोई भी वर्ब आएगा तो हमेशा हम क्या लगाएंगे? तो V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? V1। और टू के बाद आने वाला वर्ब यहाँ क्या होगा? क्योंकि इससे सेंस से क्लियर हो जाएगा कि बेल्जियम इज कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि क्या होना, तो एक कंट्री है। किस चीज़ों की कंट्री होगी? चॉकलेट्स की कंट्री है। किसकी कंट्री है? चॉकलेट्स की। तो यहाँ पहले हम किसको मारेंगे? तो यहाँ बी, जो बच्चा इसमें बी भरा है उसका आंसर सही होगा, क्लियर? बी या कंट्री होगा, क्योंकि टू के बाद आने वाला जो बी वर्ड है ये V1 ही है, ठीक है? यहाँ बी भरेंगे। दूसरा में दे रहा है कि अ कंट्री, और अ कंट्री और चॉकलेट्स है दोनों के बीच में, अब यहाँ हम फॉर लगा नहीं सकते, फॉर तो लगेगा नहीं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो काम रहेगा नहीं। फ्रॉम, जो कंट्री फ्रॉम चॉकलेट्स, यहाँ भी मीनिंग आपका गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ तो सही से बन नहीं सकता। कंट्री टू चॉकलेट्स, ये भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जब दो नाउन को जोड़ना पड़े, वही पोजिशन के रूप में इसको बताना पड़े, तो हमेशा इसके बाद वाले वर्ब के बीच, वर्ड के बीच में हम क्या डालेंगे? तो हमेशा ऑफ डालेंगे, क्लियर? यहाँ पर भी आप जानते भी होंगे कि जैसे कि द वाटर ऑफ दिस पाइप, या फिर द बुक ऑफ दिस स्कूल, तो उस कंडीशन में देखते हैं कि ऑफ का ही हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कहता है क्या कि इट इज़ अ बिग बिजनेस एंड एम्प्लॉयज नियरली 72,000 पीपल, कहता है कि लगभग ये बहुत बड़ा बिजनेस है
और इसमें कितने इम्प्लॉयज़, लगभग 72,000 पीपल, जो कि मोस्ट बेल्जियन चॉकलेट मेकर, जो वहाँ पे जो बेल्जियम में रहने वाले जो लोग हैं वे लोग क्या कर जो चॉकलेट बनाने का काम करते हैं, जो चॉकलेट मेकर्स हैं। अब यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ मैंने बताया था क्या कि ये सेंटेंस कौन सा टेंस में चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए आपको भी यहाँ भी कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ देख रहे, फिर यहाँ देयर किसके लिए लगाया है, देयर, तो देयर यही है, ये बेल्जियन चॉकलेट मेकर्स के लिए बनाया है, मेकर्स मतलब मोर देन वन है, अर्थात दे के लिए यहाँ पे लगाया है, तो दे लगा तो यहाँ पर भी देयर उठा लिया, क्लियर। तो उसी प्रकार मेकर्स के बाद यहाँ आने वाला जो वर्ड अभी देख रहे हैं आप, यहाँ ये कौन सा टेंस में चलेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में चलेगा। कौन से टेंस में चलेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यहाँ भी देख रहे यहाँ भी सेटअप है, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो इस कारण यहाँ पे लगने वाला वर्ड क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ देख रहे हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर लर्निंग यहाँ सी वाले में, तो आर लर्निंग तो लगेगा नहीं। फिर सेकंड में देख रहे हैं कि हैव लर्न, तो ये तो किसी भी एंगल से इसका स्ट्रक्चर ही नहीं होता, क्योंकि हैव के बाद आने वाला वर्ब हमेशा विथ्री होना चाहिए, तो हैव लर्न तो इसका ये भी रूल खत्म हो गया। दूसरा है, फिर बोल रहा है कि हैव लर्न, तो हैव लर्न तो आपको लगाना नहीं है, इसलिए ये आपका यहाँ गलत हो, क्योंकि आपको उठाना कौन सा टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे ये जो वर्ड देख रहा है लर्न, तो यहाँ पे लगा कि जितने भी सारे मोस्ट बेल्जियन चॉकलेट मेकर्स हैं वो सारे अपने अपने क्राफ्ट कहाँ सीखते हैं, तो एक वोकेशनल स्कूल में जाकर सीखते हैं, क्लियर। और वो किसनर स्कूल में सीखने के सीखते हैं तो क्या लगाएंगे, हाँ लर्न, इसलिए जो बच्चा इसमें लर्न भरा है उसका भी सही होगा। फिर अब कहता है क्या है कि देन दे सेटअप, उसके बाद वे लोग फिर क्या करते हैं, अपने आप को सेटअप करते हैं, क्या, तो कहाँ पर कौन, तो अपना बिजनेस क्या करते हैं, फिर वो अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, तो दे का मुझे फिर बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो दे का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा, दे का पोसेसिव एडजेक्टिव दियर बनेगा, क्या बनेगा, दे का पोसेसिव एडजेक्टिव आपका दियर बनेगा, तो दैट तो लगेगा नहीं, क्योंकि दैट लगाने वाली बात है नहीं, आपका दोज है तो दोज लगेगा नहीं, और यहाँ जो देख रहे हैं आवर है तो आवर तो आर लगेगा नहीं, इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दियर। क्यों, क्योंकि वे लोग अपना बिजनेस फिर क्या करते हैं, तो अपनी बिजनेस पुनः सेटअप करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन और है जो बाकी है, इसको फिर मैं अगले वाले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा। जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन बाकी है, जो अभी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, जो कि आपको डायलॉग राइटिंग्स या फिर रिपोर्टेड स्पीच आपकी बुक में दिया गया होगा उस पर आधारित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पुनः देखने के लिए फिर मैं अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा। और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमेशा अप टू डेट रहें, और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताएँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।